लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि SSC रेलवे IBPS क्यों बर्बाद कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है। टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है। अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट, पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं और स्टूडेंट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम स्टूडेंट, हमारे पास मैसेज में मैसेज आ रहा है कि सर आप भी कुछ करिए। एक्चुअली क्या था कि हम अनाथ आश्रम को लेकर थोड़ा सा बिजी थे, हम घर पर नहीं थे। आप लोग भी देखेंगे स्टूडियो हम घर पर नहीं बना रहे, बाहर से बना रहे, थोड़ा अनाथ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम आए, वहां आए, लड़कों को देखे। हम टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए। आपका विरोध करता है, आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2-3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है, वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पर नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पर उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे यहां पे। हम गारंटी कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर, फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितने भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी, फिर एक क्रांति आ जाएगी यहां पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सर हद पार कर देता है यहां पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए, ऐसे समझ ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहां जाएगा। और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है कि कोरोना जैसे आपातकाल में एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था, इसीलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया जिनकी सरकारी थी, कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं SSC रेलवे, ये कि आप किसी भी टीचर को देखिए, कोई टीचर चुप नहीं होगा। आप भले कुछ भी कहिए, एंटी नेशनल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग को नक्सलाइट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़कों को रोजगार दीजिए, और रोजगार मांगेंगे ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। आप समझिए, हर टीचर कोई मजबूरी में आया है, कोई टीचर को शौक नहीं लगाता कि गला फाड़े, उसको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिला रहता। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप जो भी कमेंट करें, जो भी हैशटैग चलाएं, उसमें दो चीजों का ध्यान दें, कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। आप एकदम अहिंसक रूप से, एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। सफलता एक दिन में भले ना मिले, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी, और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे, ये वादा है। अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।